Speaker, madam. Sorry. Chairman, sir. प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी. नरेगा, मनरेगा, मनरेगा. महात्मा गांधी योजना. कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं. अच्छी बात बोली आपको, अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए. क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए. मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो. जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज स्टेज जल जाता है बब्बर शेर. पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज ₹35 प्रति बैरल है. गलती कर दी, सही बात है. परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे ऐसे हिला. अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है. अरे बोलने दो भाई, बोलने दो. हमारे समय आ गए. नमस्कार. सुन के आए. आपने सुना नहीं, फेयर एंड लवली योजना के बारे में मैंने बोला, पूछ लेना आप इनसे. मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है. भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं. मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं. चेयरमैन सर प्लीज, मैं एक बात समझा नहीं, मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके. क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? जवाब दो. अरे जवाब दीजिए. सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया? क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया. अच्छा अब भाषण बोलने दीजिए मुझे. 40% जेएनयू के स्टूडेंट्स, वी डिस्ट्रॉयड देयर नेशन, their reputation internationally and put them into a little diplomatic cage. Yes. We trapped them in a cage this big. Yes. What does the Prime Minister do? What does the Prime Minister do? He decides to have a cup of tea with Nawaz Sharif. He decides that I am going to go and have a cup of tea with Nawaz Sharif. Without any thought, without any vision. चाय पे चर्चा. देखो भैया, आपके बीच में और हमारे बीच में एक बात आप समझ लो, आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो. हम लोग गलती करते हैं, हम लोगों की सुनते हैं, हम सब कुछ जानते नहीं हैं, हम सीखते हैं. थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी, बड़े पावरफुल हैं. हमारे विपक्ष के भी छोटे छोटे दल के सदस्य हैं, 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं. मेक इन इंडिया की मिठाई उठा रहे हैं. ये मेक इन इंडिया देश के लिए है. हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए,
सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज़्यादा चिक करके कहते हैं और ज़्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही है। ये 1974 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आपने, इंदिरा जी ने ये भाषण किया था, कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते, और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। अरे रिकॉर्ड में नहीं आता, यहाँ बैठे करम में जाइए स्टार्ट। दो मिनट में आप, इम्पोर्टेंट बात है मेरी पार्टी। This has never happened in independent India under no situation. आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए दो। यह है सच्चाई नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की।